Hello, welcome to Sarit Classes. My name is Tej, MD and founder of the Sarit Classes. Now we are going to start our geomorphology on next part. देखिए जो last lecture था वो था fluvial type of landform और आज हम करने वाले karst topography. ठीक है, दोनों तकरीबन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन फ़र्क किसका आ जाता है इसमें, जो यहाँ पे बेस मटीरियल है. बेस मटीरियल क्या, पहले वाले में बेस मटीरियल क्या था, यानी कि इरोड कौन कर रहा था, रिवर कर रही थी. और रिवर को क्या चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है, जिसको वो इजीली क्या कर पाए, इरोड कर पाए. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट टोपोग्राफी. ठीक है, ये एक लोकेशन का नाम है. ठीक है, वहाँ पे जब ये इस तरीके की जो टोपोग्राफी थी, यानी जो स्ट्रक्चर पाई गई, जैसे सिंक होल हो गया, ठीक है, उल्लाज हो गए, तो ये अलग अलग यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिले थे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे. जब ये ज़्यादा पाए गए तो उस जगह का नाम था कास्ट, यानी योगोस्लाव के नियर बाय की लोकेशन है, तो वहाँ पे कास्ट पिक करके जो इस तरीके की टोपोग्राफी वर्ल्ड में कहीं पे भी मिली उसका नाम कर दिया कास्ट टोपोग्राफी. सिंपल, मैं आपको पहले 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है, और फिर हमें ऑप्शनल के लेवल पे इसको समझना है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज. ठीक है, देखिए कास्ट टोपोग्राफी में बेसिकली एक जो इसका मिनरल होता है वो होता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन की खासियत क्या है बताइए. लाइमस्टोन की खासियत ये है, अगर ये है ड्राई कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो ये कैसी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, सबसे टफ रॉक है ये. ठीक है, कैसी है ये, टफ रॉक है ये लाइमस्टोन. ड्राई कंडीशन में कैसी स्ट्रक्चर, मतलब कैसी है ये, टफ है. लेकिन वहीं पे आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी या फिर पानी मिला दीजिए, तो ये वर्ल्ड की सबसे सॉफ्ट रॉक बन जाती है. क्या बन जाती है, वर्ल्ड की सबसे सॉफ्ट रॉक बन जाती है. और मान लीजिए किसी भी लैंडफॉर्म के अंदर, जमीन के किसी भी हिस्से के अंदर अगर लाइमस्टोन है, तो वो आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देगी, सिंक होल आपको बनता हुआ दिखाई देगा. अगर कोई नदी जा रही है, नदी डिसअपियर हो जाएगी वहां से. अगर हाँ, यहाँ पे गुफाएं आपको बनती हुई दिखेंगी, जैसे मलेशिया की बाटू केव्स हो गई, और अगर आप कभी वहाँ गए हैं वैष्णो माता, वहाँ पे आपको अर्धकुंवारी पे जब जाते हैं, अर्धकुंवारी के अंदर से जाने के लिए एक वो एक गुफा टाइप में बना रखा है ना, और जब सबसे टॉप में जाते हैं कहाँ पे, वैष्णो माता के जो केव है उसके अंदर जब जाते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है, दीवारों से पानी टपक रहा होता है. उसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पानी क्यों टपकता है दीवारों के ऊपर से. तो एक तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेंगी, गुफाएं देखने को मिलेंगी. ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई नदी जा रही है ना, नदी एकदम से गायब हो जाएगी. क्यों गायब हो जाएगी, नदी हो जाती है अंडरग्राउंड. ठीक है, वो अंडरग्राउंड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है. सिंक होल क्या होता है, सिंक होल बेसिकली एक तरीके का गड्ढा होता है, ऊपर से ना बिल्कुल आपको फ्लैट दिखाई देगा. ठीक है, नीचे से इरोड होता जाएगा, बिल्कुल आप ये मान के चलिए. अभी तक क्या था, रिवर ऊपर से इरोड करती भी आ रही थी, लेकिन इसके अंदर होता है नीचे से इरोड होना स्टार्ट होता है. इधर से ये इतना पोर्शन इरोड कर दिया, फिर ये इतना इरोड कर दिया, फिर ये इतना इरोड कर दिया, और एट द लास्ट आप क्या देखेंगे, ये पूरा एक सीधा होल दिखाई देगा आपको, ये कहलाता है सिंक होल. इस तरीके की और भी बहुत स्ट्रक्चर बनती हैं. अब ये सारी स्ट्रक्चर बनती किस लिए है, क्योंकि सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, या तो आप वाटर लिख लीजिए या फिर ह्यूमिडिटी भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, वाटर या ह्यूमिडिटी. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. सिंक होल दिख गया आपको, रिवर बहती हुई दिख गई. ठीक है, लाइमस्टोन दिख रहा है आपको, अंडरग्राउंड पानी फ्लो करता हुआ दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ बंद, और फिर आप ये देखिए. ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली होती क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया, एक बार पढ़ लीजिए आप. ठीक है, मेन ये नहीं है, ये जीएस का पार्ट है, जो अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये जीएस वाला है, ऑप्शनल का मैं आगे दिखाऊंगा आपको. ठीक है, आप एक बार देखते जाएं बस इसको, मैं जो जो आपको अभी स्लाइड दिखा रहा हूँ ना, देखते जाएं आप एक बार. देखिए इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है, केव्स, सिंक होल, स्टैलेगमाइट, स्टैलेक्साइट, फिर उसके बाद आपको नेचुरल स्प्रिंग देखने को मिल रही है, यानी कि झरने. ठीक है, लूजिंग ऑफ स्ट्रीम. अब इसकी केमिस्ट्री क्या बोलती है, जो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया ना कि
यहाँ पे लाइमस्टोन पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। केमिस्ट्री में अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री देख लिया आपने, फिर उसके बाद क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लाइमस्टोन 80% होना चाहिए, मतलब जो कैल्शियम है ना 80% होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद के सारे प्रोसेस आप देख लीजिए, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी 80% कितना होता है। ठीक है, अरे ये समझ में नहीं आया, आपने कभी किसी के घर के आसपास कली करते हुए देखा है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन। और धीरे धीरे हमारी जो कंस्ट्रक्शन है ना, हम इसी के ऊपर ही मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि लाइमस्टोन ना बहुत, अगर आपका जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, एरिड कंडीशन है, वहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। लेकिन लाइमस्टोन से रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ मत लेना। अगर आपका घर कहाँ पे है, कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन में तो हर रोज़ बारिश होती है तकरीबन। ठीक है, तो ये कंडीशन बता दी गई है आपको। उसके बाद ये देख लीजिए कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नाम याद ना भी हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाम याद ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें ये अभी याद करवाने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। मेन जो काम हमारा जहाँ से स्टार्ट होगा ना, वहाँ से मैं आपको डिटेल में बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, अरे हाँ, ये क्या है, गुफाएँ हैं। ये जो गुफा बनती है किस तरीके से बनती है, कोई आइडिया है आपको? ये अंदर तक पानी क्या करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और डीप केव्स बनती हैं। ठीक है, और ये गुफाएं कभी कभी इतनी गहरी हो जाती हैं, जैसे मुझे आई थिंक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलती है केव्स की। सिंक होल क्या होता है, सिंक होल बेसिकली ये होगा, नीचे से इरोड होता होता ऊपर आएगा, और कुछ ये आपको पिक्चर्स देखने को मिलती हैं शहर के बीचों बीच। देख रहे हो कितना बड़ा गड्ढा है, सबसे पहली ऊपर वाली पिक्चर देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। एक मिनट में इसको ना थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको? देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, शहर के बीचों बीच है भाई ये, मान के चलिए आपने दरवाजा खोला और एकदम से इतना बड़ा गड्ढा दिख रहा है आपको, कैसा फील होगा? सर फील तो क्या होगा, नानी याद आ जाएगी। हाँ ये बात भी सही है भाई। चलिए हम फिर दोबारा से स्क्रीन के साइज को कर देते हैं नॉर्मल। हाँ ये देखिए, जहाँ पे भी लाइमस्टोन ज़्यादा डोमिनेंट होता है ना, वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता होता है, और फिर ये उसी के हिसाब से ही अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बना के रखते हैं। तो मैं कहाँ पे था, हाँ वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता होता है कि यहाँ पे सिंक होल हैं, और इसका सोल्यूशन भी है। अगर मान के चलिए आपको पता है कि आपके एरिया के अंदर सिंक होल ज़्यादा बनते हैं, मतलब ज़्यादा अपीरेंस में आते हैं, तो इसका एक इलाज भी है, सोल्यूशन पता क्या है, लेकिन वो कारगर है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए ये आपका घर है, आप इस एरिया के अंदर बना रहे हैं ना, अपने घर के बेसमेंट में ना कुछ इस तरीके के लंबे लंबे लोहे के आप रॉड डलवा दीजिए, और इसके ऊपर अपना घर बनाना स्टार्ट कीजिए। कई सारे घर ना इस तरीके से बचते हुए देखे गए हैं। इसमें होता क्या है, ये जो पूरा एरिया नीचे क्या होता है, अभी आपने सिंक होल देखा ना, सिंक होल की वजह से नीचे बैठ जाता है ये, तो ये जो रॉड होती है ना ये इसको संभाल के रखते हैं, और जो घर के अंदर कोई सदस्य है तो उसको इतना समय मिल जाता है कि वो भाग के बाहर चला जाए। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है इन रॉड्स का। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये है प्रॉपर जो कास्ट टोपोग्राफी जो आपने इस लेक्चर के शुरुआत में देखा है ना, वो अभी तक देखिए जो कास्ट टोपोग्राफी है इसके रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो देखी हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना इसको स्पीड अप करता हूँ। एक बार ये डिसअपीयरिंग ऑफ स्ट्रीम देख लीजिए, किस तरीके से ये ज़मीन के अंदर जा रही है और गायब हो रही है। अभी फिर हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शनल वाला काम जल्दी स्टार्ट करते हैं। केव डिपॉजिट क्या होते हैं, स्टैलेगमाइट, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, ये क्या हुआ कि दोनों PPT ना मर्ज हो गई है, तो दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो मेन काम है ना स्टार्ट होने वाला है, ये आपको झरने दिख गए, उसके बाद यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कास्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, एक वर्ल्ड का आपको मैप दिया गया है और ऊपर से इंडिया का मैप दिया गया है।
माइट बी ए वर्ल्ड के मैप को अगर आप स्टडी करना चाहें, आपको प्रॉपरली क्लियर आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसके टेंशन मत लीजिए। मैंने अलग से एक पीपीटी के अंदर पूरा यहाँ पे जो मेन मेन एरिया है जहाँ पे ये मिलती हैं नोट डाउन करके आपको दे दिया है। ठीक है, चलते हैं। ये वो एरिया है जैसे कि इंपॉर्टेंट कास्ट एरिया कौन से हैं, जैसे जमैका हो गया, वेस्टर्न क्यूबा, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे टॉप में अगर आप जाएंगे, ऑल स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ऑल स्टेट यानी कि पूरा देश कास्ट टोपोग्राफी, हाँ वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, और ये जो अभी मैंने आपको एक बताया ना, लोहे की रॉड इतनी लंबे लंबे, ये लोहे की रॉड कम से कम 100 फीट लंबी होती है। ठीक है, ताकि जो घर है नीचे बैठे तो उससे नीचे गिरने से पहले आपको बच के भागने का मौका मिल जाए। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, पूरा जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देहरादून इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद है अर्जुन खंड हो गया यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कास्ट टोपोग्राफी इंडिया के अंदर। अब सबसे बड़ी ये आती है कि क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी चाहिए होती हैं कास्ट टोपोग्राफी के लिए। ठीक है, बताइए कौन सी कंडीशंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कास्ट टोपोग्राफी के लिए, बताइए। बिल्कुल परफेक्ट, लाइमस्टोन की 80% अमाउंट होनी चाहिए, और बताइए, लाइमस्टोन 80% हो गया, और बताइए। हाँ, रीजन के अंदर रेनफॉल अबंडेंट होनी चाहिए, भले ही 80% लाइमस्टोन हो, पानी नहीं है ना तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी के एब्सेंस में सबसे टफ रॉक हो जाती है ये। ठीक है, ये दो चीज़ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा दिमाग में। और जब पानी गिरता है, ये पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये एक देखिए डायग्राम कितना मस्त आपको दिखाई दिए, यहाँ पे मैंने बना के दिया है आपको। केमिकल रिएक्शन दिमाग में घुसे तो बढ़िया है, अगर नहीं जाती तो कोई बात नहीं, इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, एग्जाम में अगर आप इसको बना देंगे ना, एक अच्छे नंबर के साथ आपकी एज हो जाती है। ठीक है, 2 नंबर, 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, फायदा ये होता है। लिथोलॉजी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, रिलीफ, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट, पीएच, टाइम। ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। लिथोलॉजी का तो आपको पता ही है किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, अगर जॉइंट्स होंगे इनके अंदर, ठीक है, अगर जॉइंट्स होंगे तो पानी बहुत जल्दी जाएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है रिलीफ, अगर ये ढलान हुई। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोलॉजी, पानी के साथ तो रिएक्ट करना ही है। क्लाइमेट, जहां जितना मॉइस्चर उतनी जल्दी है इरोड होती है। वेजिटेशन ये होता है कि जहां पे वेजिटेशन होती है, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वहां पे आपको ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलें, मैं दोबारा से यहां पे सरक जाता हूं। अब जो जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्ले सॉइल फाउंड अलोंग जॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टेरा रोजा। ठीक है, ऐसे ही एक आप जब आईवीसी की स्टडी करते हैं वहाँ पे मिलता है टेरा कोटा। ठीक है, यहाँ पे है ये टेरा रोजा, मॉडरेट स्लोप है। फिर उसके बाद आता है लैपिस, ये स्मॉल मतलब छोटे होते हैं ये, और इनकी जो बोलते हैं ना कि गहराई कितनी मिलेगी आपको, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो ऊपर की जो टॉप लेयर है ना वहाँ पे ही इनका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। जो पहले मैंने एक पिक्चर दिखाई थी ना, नीचे ग्राउंड तक जा रहा है, वो एक एडवांस वर्जन है उसका, एडवांस वर्जन। हाँ, आगे देखिए, सिंक होल क्या होते हैं। सिंक होल में क्या होगा बेसिकली, अभी तक तो आप वेल अंडरस्टूड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पैन, लार्ज विड्थ लेकिन शैलो डॉलिंग होंगे ये। अगर मैं आपको कोई बेटर एग्जांपल दूं, हाँ वैष्णो माता का ही आप एग्जांपल लीजिए। अगर आप कभी वहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पे अगर कोई आपको केव दिखाई दे ना, वहाँ पे आपको केव के ऊपर आप ना इस तरीके से हाथ लगाएंगे तो पानी आपको नीचे आता हुआ मिलेगा। वो सारा जो पानी है नीचे सीप किस वजह से हो रहा है, जो जॉइंट है, जॉइंट में से पानी पूरा फ्लो होके नीचे आ रहा है। ठीक है, और जो वो पानी है इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्योर होता है। अच्छा, वहाँ पे ना जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, वहाँ पे 2 या 3 टैप लगाए हुए होते हैं,
जिसमें ये होता है कि आप पानी पिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। पानी पियेंगे, अगर आप थोड़ा साइंटिफिक उसमें जाएंगे ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना वाटर के अंदर, वो सारी साइड हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर ही आपको देखने को मिलता है। अब हमारा जो मेन वर्क है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो है हमारा, अच्छा, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्साइट का ये बता देता हूँ। पानी की बूंद जब नीचे टपकती है, मतलब जब नीचे आती है, उसके साथ ना कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के उसके साथ मिनरल भी होते हैं। स्टेलेगसाइट, सी पहले आता है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ना उसको बोला जाता है स्टेलेगसाइट। नीचे जमीन के ऊपर जो बनता है ना इस तरीके का, उसको बोला जाता है स्टेलेगमाइट। एक बार मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये है छत, छत के ऊपर से क्या हो रहा है, पानी टिप टिप करके नीचे आ रहा है। तो ये इस तरीके की ट्रायंगुलर शेप करके आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये है स्टेलेग साइट, सी आता है ना जिसके अंदर वो। फिर जब ये पानी नीचे जहाँ पे गिरता है, ठीक है, उधर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। पानी तो बह के निकल जाएगा, लेकिन जो कैल्शियम होता है ना वो यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, स्टेलेगमाइट, ठीक है, स्टेलेगमाइट ये बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी हमारा जो मेन कोर्स ऑफ डिस्कशन है उसके ऊपर हम आते हैं। हमारा जो मेन है एजेंडा, वो है कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन को समझना, क्योंकि यही सवाल आता है, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन। देखिए, जब कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे डेविस ने क्या बोला, अरे अरे ये वही बात है जो मैंने अपने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में बोला है, बस फर्क इतना है ये स्पेशल कंडीशन है। लेकिन जितने भी वहाँ पे ये जब क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के सामने अपनी थ्योरी आगे प्रोसीड की, तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और इसको सबसे पहली बार जो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने सबके सामने रखा था, वो थे बीड, BEED। ये थे सबसे पहले पर्सन जिन्होंने कास्ट टोपोग्राफी किस तरीके से टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी उसको समझाने वाले ये थे, पूरी साइकिल को। और इन्होंने ये जो पूरी साइकिल है ना किस तरीके से डिवाइड की है, वही इनके गुरु कौन थे, मतलब कहाँ से पढ़े, डिविजन स्कूल से पढ़े हैं, तो यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज, ये इन्होंने बताया है अपनी पूरी थ्योरी के अंदर। अब देखिए, इस थ्योरी को बताने का ना दो दो तरीके हैं कि आपको बताया जाए। सबसे पहला ये है कि जो यूथफुल स्टेज होगा उसके अंदर आपको होल्स बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर होल्स और शैलो होल्स बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि धीरे 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 क्या होंगे, आपस में जॉइंट हो जाएंगे और बड़े बन जाएंगे। और फिर आ जाती है आपकी स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या होगा, जब नदी बहना स्टार्ट करेगी ना, नीचे उसको अंडरग्राउंड खाली जगह मिलेगी, तो वो नीचे सीप कर जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। और ओल्ड एज में क्या होगी, दोबारा से रीअपीयरेंस आपको होते हुए दिखेगी। और मोस्ट ऑफ टाइम में होता पता क्या है, पानी जैसे ही रीअपेयर होता है, जितना पानी वहां से बहता जाएगा, जो छत है वो उसको इरोड करती जाएगी, और छत एकदम से क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, एक पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, मैं शो करता हूं, ठीक है, तब आपको चीजें थोड़ी सी और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। हाँ, डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। करें फिर आप, ठीक है, ये है सबसे पहले नॉर्मल, ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसके अंदर होते हैं जॉइंट्स। तो जब भी आपको जॉइंटेड रॉक शो करनी है ना, हमेशा इसी तरीके का आपको डायग्राम बना के चलना है। और प्लस में ये जॉइंटेड है और लाइमस्टोन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इस तरीके से डॉट 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 मार्किंग कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? अभी देखिए, हमें क्या बनाना है, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्साइट बनाना है। बना लीजिए, अगर आपको कभी मौका मिले गुफा में जाने का, उस एक बार छत के ऊपर जरूर देखिएगा। हो गया, ठीक है,
अब बात ये आती है कि ये यहाँ तक ऐसा इरोड हो कैसे गया, ठीक है, ये हमें समझ में थोड़ा सा नहीं आया अभी तक। कैसे ये बना है लैपिस, ठीक है, और ये बना है शैलो, यानी कि जो होल्स है ना वो बने हैं। अब यहाँ से पानी क्या होता गया है, इसको इरोड करता है, क्योंकि मैंने क्या बताया है ये किसका है, ये किस तरीके की रॉक है, जॉइंटेड रॉक है। कैसी है ये जॉइंटेड रॉक है, ठीक है। अब ये जॉइंटेड रॉक है, इसका मतलब क्या है, यहां से पानी क्या करेगा, इस तरीके से बहना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे। अब ये शुरुआत में ही ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, नहीं, शुरुआत में ऐसी स्ट्रक्चर कभी नहीं बनती। ये तीन स्टेजेस हैं, हालांकि ये चार में आपको दिखाई देंगे। ये तो क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, ताकि आप समझ पाए जो हम होल्स की बात कर रहे हैं और लैपिस की बात कर रहे हैं वो होते क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैपिस होगी, अगली बार जब बारिश होगी ना, पानी यहाँ पे क्या करेगा, ये जितने भी क्रैक्स है, क्रैक्स में से होता हुआ पानी यहाँ से फिर क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन गई है, केव। अब पानी कुछ ना यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ से पानी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है जो इसके ऊपर की सॉइल है। अब पानी क्या करेगा भाई, नीचे तो उसको क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली है, वहाँ से फिर छत के ऊपर से पानी क्या करना है, टपकना स्टार्ट होगा। फिर ये इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्टैलेग, ओके, स्टैलेगमाइट, और नीचे वाली है स्टैलेगमाइट। ठीक है, डन। अब ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई है, यहां पे आप थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले कौन सी स्टेज बन रही है, ये है यूथफुल स्टेज, ठीक है, ये है यूथफुल स्टेज, ठीक है, ये है आपकी यूथफुल स्टेज। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, सबसे पहली डेवलपमेंट आपको देखने को मिली है, यानी कि हमने देखा था ना यूथफुल स्टेज में होल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ज्यादा इरोड नहीं हुआ है ये, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे भी डेवलप कर देते हैं, ठीक है, जहां तक ये हो गया आपकी यूथफुल स्टेज। और जब भी आप ये बनाए ना, एक चीज का ध्यान रखना, आपको क्या बनानी है, ये जॉइंटेड रॉक बनते हुए, ये जॉइंटेड रॉक है ऐसा आपको शो करना है। और जॉइंटेड रॉक को शो करने का सबसे आसान तरीका पता क्या है, इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4, ये सबसे आसान तरीका है जॉइंटेड रॉक को शो करने का। बीच में इस तरीके से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये शो करेगा कि सॉफ्ट रॉक है ये, ठीक है, या फिर लाइमस्टोन, जैसे आप अपनी क्रोनोलॉजी बना के चलते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अब होगा क्या, ये आगे जाके फर्दर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब मैं साइज छोटे रखूँगा अपने डायग्राम के, ठीक है, आप चीज़ों को समझते जाइएगा। कुछ समझ में आ रहा है, ये अब और ज़्यादा डीपन होते जा रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर हमने बनाए थे ना, ये और ज़्यादा डीप हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। सेम वही जॉइंटेड रॉक है, तो इसको बनाने का एक ही बहुत बेस्ट तरीका यही है, बनाइए लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके अंदर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैच्योर स्टेज है, अरे नहीं, ये है अर्ली मैच्योर। कौन सी है ये, अर्ली मैच्योर स्टेज है ये, ठीक है, बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, ये मैच्योर स्टेज बना के खत्म करते हैं, नहीं, ये है अर्ली मैच्योर, क्योंकि जब ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज में बनते हैं हूम्स, ठीक है, वो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। तो लेट मैच्योर बना लें, ठीक है, लेट मैच्योर के अंदर देखिए किस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये और ज्यादा गहराई में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ना, ये किस तरीके से आगे डेवलप होती है, ठीक है, और ये इस स्टेज तक पहुंचेगी कैसे, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके,
एक चीज आपने गौर करी, ये और ज्यादा डीपन यहां पे क्या बनते जा रहे हैं। हाँ, नीचे ये जरूर बना लेना, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, ये जो बेसमेंट रॉक है ना वो बना रहे हैं। ठीक है, ये है लेट मैच्योर। बना लीजिए। इसके बाद ओल्ड एज में सिर्फ होम्स बनाने, वो बहुत आसान है। ये लीजिए, मैं साथ के साथ फिर ड्रॉ कर ही देता हूँ। तकरीबन तकरीबन अगर आप इसको देखेंगे ना, ये बिल्कुल आपका कैसा दिखेगा, ये इंसेलबर्ग और पैनप्लेन आपने सुना है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको लगता है पहली नज़र में। लेकिन इस तरीके से आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये टेढ़ा तो नहीं गया, हाँ थोड़ा सा झुक गया है ये। तो ये आपका अल्टीमेट बनता है डायग्राम यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज का। इसमें थोड़ी सी आप ये और नेमिंग कर लीजिए, लैपिस, शैलो होल्स, ये कास्ट रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर डायग्राम आप नेमिंग करना चाह रहे हैं, कास्ट रीजन, उनकी मैंने साथ के साथ नेमिंग करवाई दी है, ठीक है, हो गया डन। तो ये है सिंपल से कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। अगर आप क्या करें, एक पूरा चार्ट बनाए ना, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसके अंदर आप देखेंगे जो कास्ट टोपोग्राफी है वो है वेदरिंग। लेकिन ये किस तरीके की वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है। क्यों केमिकल वेदरिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है जिसको हम H2O बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेट में आपको एक रिएक्शन पूरी मैंने बना के दिखाई है, ठीक है। ये एक मिनट में दिखा देता हूँ दोबारा से आपको, आजा भाई कहाँ गए, बहुत पीछे गया, ओह माय गॉड, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ये वही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। तो चलते हैं और आगे, हाँ अब एक चीज आप गौर करेंगे, मैं दोबारा बताऊँ, अब आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे, जितने भी टाइप ऑफ यहाँ पे लैंडफॉर्म बन रहे हैं उसके पीछे थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने कौन से डेजर्टिक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पढ़े, ठीक है, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन हमने देखा, ठीक है, यानी कि जो एलसी किंग का द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है वहाँ पे फिर हमने जो WM डेविस है उसको थोड़ा सा देखा। अब आने वाले हैं पेल्टियर, यानी कि ग्लेशियल टाइप ऑफ जो टोपोग्राफी है ना उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो अगले लेक्चर में रहेगा, टेंशन मत लीजिए कि मैं वो अभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा क्या उसकी PPT मैंने अरेंज की हुई है कि नहीं की हुई है, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा। तो कास्ट टोपोग्राफी यहाँ पे आपकी होती है ख़त्म। मैं एक बार अपने नोट्स में देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें बतानी थी, क्या मैंने बताई हैं कि नहीं बताई हैं आपको। हाँ ये बता दिया आपको। और जैसे कास्ट टोपोग्राफी है ना, उसके अगर आप इनिशियल स्टेजेस की बात करें, इनिशियल स्टेजेस में आपके बनते हैं
क्लिंट्स एंड ग्रिग्स, ये दो पॉइंट बच गए थे, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। अभी देखिए ये इनिशियल पॉइंट में ये क्या है दिख रहा है ना, हाँ, एक पहले जो एक मार्किंग सी जो बनती है ना, एक क्रैक डेवलप होता है, इसी को ही बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हो गया क्लिंट, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ग्रीक्स, ठीक है, GRIKES। बस ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये स्टार्टिंग में बताना था, वो एकदम से स्किप हो गया दिमाग में से। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कास्ट टोपोग्राफी। तो आज का लेक्चर मात्र आपका 30 मिनट का, कल का लेक्चर भी आपका 30 मिनट का था। तो देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम अपने टाइम को थोड़ा सा और वेल तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैं ईजिली कम से कम टाइम में आपको मैं बता पाऊँ। कोई और यहाँ पे पॉइंट पेंडिंग है? नहीं, ये आपका लास्ट है समरी, जो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना के रखा है ना, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये उसका एक्चुअल डायग्राम है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर करें यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म, ठीक है। ये कास्ट टोपोग्राफी का एक लास्ट डायग्राम है, किस तरीके से यहाँ पे आपको गुफाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे लेक्चर होता है आपका समाप्त, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आज लेते हैं हम आपसे इजाज़त। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।